आज थाना के अंदर कलेक्टर ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के कुछ लीडर भी थे वहां पे, एमएन शेख साहब जैसे कि मनोज सिंधे और अनीस कुरैशी, ये लोग जो है आज काफी मतलब एक दर्द इन लोगों के अंदर दिखा कि इसको जो तबरेज अंसारी के साथ जो हुआ है घटना, इसी चीज को लेके, जैसे कि आप जानते हो कि पूरे देश के अंदर इस चीज को लेके जो है एक बहुत बड़ी शोक मनाया जा रहा है, हर आदमी निंदा कर रहा है इस चीज के लिए, लेकिन ये सरकार के खिलाफ जो है इन लोगों ने मोर्चा निकाला और इस तरीके से घटना आगे ना हो इस तरीके से मतलब धरना प्रदर्शन किया और काफी सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश और एक उमंग दिखा, एक गुस्सा भी दिखा कि जैसे कि आप देख सकते हो कुछ महिलाएं भी थी, तो हमने कोशिश की है कि हाँ जो है कुछ एमएम शेख साहब जो भी है मतलब वो अपना कुछ राय जो है वो क्या चाहते हैं इस सरकार से और इस तरीके से इस घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हमने कुछ उनसे बात की, आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दूसरी चीज है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने चलो एक आंदोलन किया है इसके खिलाफ और देखता हूँ कि अभी ये आंदोलन कहाँ जाके रुकेगा। नहीं मगर पूरे हिंदुस्तान में आज आजकल मॉब लिंचिंग का जो चल रहा है प्रॉब्लम, मॉब लिंचिंग में जो बेगुनाह लोग हैं मारे जा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर उनका कुछ ताल्लुक नहीं किसी से, वो भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पे कुछ जगह पे चोरी करने के बहाने से, कोई जगह पे जादूगरी करने के बहाने से, कोई जगह पे बच्चे चुरा के लेके जाने के जाने वाले लोग ऐसा समझ के, कोई जगह पे गो तस्करी समझ के, ये जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रहे हैं अलग अलग, ये मॉब लिंचिंग जो भी हो रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कानून बनाना चाहिए, एक कानून में तब्दीली ऐसे करना चाहिए कि ऐसे जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं इनको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सख्ती से उनको कानूनन उन पर कार्रवाई करना चाहिए, जिसलिए आज हमने धरना यहाँ पे जो दिया। और दूसरा एक मकसद था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी, जिनका गांधी परिवार से बहुत बड़ा गांधी परिवार से ताल्लुक है, गांधी परिवार के पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास, पूरी तारीख पूरे हिंदुस्तान के सभी आवाम को मालूम है कि जबकि इंदिरा जी गांधी प्रधान थे, उनका भी बलिदान इस देश में हुआ, कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया। दूसरा ये था कि हमारे राजीव जी गांधी वहाँ पे कुछ आत्मघात की हमला हो गया, वो फैमिली से राहुल जी रहते हैं, उनके बारे में गलत सलत टिप्पणी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता उन्होंने किए वो गलत किए, तो किसी के खासगी इसमें पर्सनल लाइफ में टिप्पणी करना, किसी को गलत सलत बोलना ये ठीक नहीं, इसलिए भी हमारा आज धरना था। और इस देश में एक भाईचारा रहे, हिंदू मुसलमान एक जगह पर रहे, और आज का माहौल पूरे देश में अच्छा है, मगर कुछ समझ कंटक लोग जो है ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने आज तक अलवर भी हुआ, उसके बाद यह भी परसों तबरेज अंसारी का जो हुआ, इसके बाद पूना में एक मोहसिन का हुआ था, ऐसे अलग अलग चीज़ भी मॉब लिंचिंग जो हो रहा है कि अलग तरीके से हो रहा है कि एक माइनॉरिटी के आदमी है, माइनॉरिटी का लोग है उनके साथ जो हो रहा है तो गलत हो रहा है, इसके लिए हमने आज धरना दिया। और हम सरकार से दरख्वास्त किया, आज जो निवेदन हमने दिया राष्ट्रपति जी के नाम से दिया, पंत प्रधान के नाम से दिया, होम मिनिस्टर हमारे जो भारत सरकार के उनके नाम से दिया, माननीय मुख्यमंत्री के भी नाम से दिया, इसलिए दिया कि ऐसे जो हादसे होते हैं इस पर कानूनन पाबंदी लाना चाहिए और उसके लिए कानून बनाने के लिए आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन था एक मोर्चा। इसके अलावा भी सर बहुत सारी घटनाएं हो रही है कि लोगों को जो गरीब तबके के जो मुस्लिम लोग हैं दाढ़ी रख के या टोपी रख के चलते हैं उनको बीच रास्ते में खींच के ये जय श्री राम का नारा या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आ रही हैं, इसके बारे में भी सर आप कांग्रेस पार्टी मतलब क्या करेगी और आगे इनकी रणनीति क्या है? देखो कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की सोच एक ही कि सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलना, पर कुछ लोग जो गलत सलत कर रहे हैं उसका तो हम निषेध करते हैं, कंडेम करते हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे गलत लोगों का साथ नहीं देंगे, मगर जो गलत काम कर रहे हैं उनको जो साथ देने वाले हैं उनके खिलाफ मोर्चे धरने देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और सरकार को जगाने का भी काम कर रही है। अभी सर कल की एक घटना है यूपी के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुलिस वाले भी मिलके एक दाढ़ी एक लड़का जो है तकरीबन 30 से 32 साल का है उसको पकड़ के और गाली के लफ्ज़ों में मतलब कह रहे हैं कि श्री राम का नारा लगाइए, तो इस जब पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस ही ऐसा काम कर रही है कानून, तो सर ये आवाम जाएगी कहाँ? नहीं ये जो जितने भी हादसे हो रहे हैं आज तक हो गए, इसके लिए तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए कानून बनना चाहिए,
जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक ये हादसे जो हो रहे हैं ये रुकने वाले नहीं है। इसलिए आज कोई भी मुसलमान भाई हो, दाढ़ी हो, उसको कुछ भी हो, मगर एक अपने मजहबी तरीके से वो रहने की कोशिश करता है। मगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें हर एक जाति धर्म के लोगों को अपने अपने जात के धर्म के हिसाब से मजहबी हिसाब से रहने का इख्तियार है। और उसको अगर ये गलत समझ के गलत सोच के जो भी कर रहे हैं ये लोग, ये गलत कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा।